मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है। प्रवीण जी, बड़े लंबे समय से जो है आप भाजपा के साथ जुड़े हैं, बस्तर में जो राजनीतिक हलचल है उसे कैसे किस तरह देख रहे हैं? बड़सर में ये जो राजनीतिक हलचल हुई है, ये तो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है उनकी नीतियां रही हैं, और जो आम जनमानस के विरोध में उन्होंने कार्य किया है, कोई भी विकास के कार्य नजर नहीं आए हैं, लोगों से जो वायदे किए हैं, ये हलचल स्वाभाविक थी, जो होनी थी, इसलिए ये जल्दी होगी। जी प्रवीण जी, बात करें पुराने कार्यकर्ता की, आप भी लंबे समय से 15-16 सालों से भाजपा में सेवाएं दे रहे हैं जी, कहीं ना कहीं पुराना जो कार्यकर्ता है उसको आघात पहुंचा है, क्योंकि एकदम हवाई फायर होना और मतलब भाजपा के पुराने कार्यकर्ता के सर पे एक नया कैंडिडेट कांग्रेस से लाकर खड़ा कर देना, तो कहीं ना कहीं जो लोग इतने सालों से दरिया उठा रहे थे और पार्टी की सेवा कर रहे थे, उनको ठेस पहुंची है, किस तरह? सर देखिए, दरियां, जो आपने दरियों की बात करी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और हर एक कार्यकर्ता के मन में कहीं ना कहीं एक विचार होता है कि वो पार्टी के लिए आगे आए, आगे बढ़े, वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब इतने समय से हम लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं वो तो सबके मन में होता है। पर ये जो निर्णय लिया गया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, ये बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है, और लखनपाल जी बहुत ही अच्छे प्रत्याशी है, इसमें थोड़ा खुला मन रखना चाहिए, इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारा व्यक्ति रह गया है। पार्टी कैसे जीतेगी, यहाँ से सीट कैसे निकलेगी, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के पार्टी का साथ देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता, जैसे मैं बड़सर में घूमा भी हूँ और कुछ अपने सगे संबंधी भी हैं, सबसे बातचीत करी तो सभी खुश है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, पर हाँ मन में थोड़ा सा होता है, उन सब भेदभाव मन के जो विचार होते हैं उनको भुला करके पार्टी को आगे रख करके, देखिए मोदी जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, अपना हित तो हमारा, जब से हमने पार्टी ज्वाइन करी हम एक विचार के साथ जुड़े हैं, अपना हित सबसे पीछे है, हमारी पार्टी बोलती है कि पहले देश है फिर पार्टी है। अब देखिए, जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये जो विधायक है, इन्होंने भी अपने श्री राम जी के विरोध में जिस वकील ने इतने समय तक केस लड़े उसको इनका भी मन नहीं माना, देखो अंतरा परमात्मा से मिलने के लिए जो इनकी अंतरात्मा की आवाज थी वो इन्होंने सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा सारा घटनाक्रम हुआ। बाकी तो पार्टी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझती है, जो उन्होंने निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है, और साथ में चलेंगे और जिताएंगे। प्रवीण जी, बात करें बस्तर विधानसभा में पिछली बार भी चुनाव हुआ, भाजपा में देखा गया है कि आपसी उसमें रंजिश में एक दूसरे के खिलाफ आजाद प्रत्याशी भी खड़े होते रहे, क्या इस बार भी कुछ बातचीत देखने को मिली? देखिए सर, जब से जिस भी व्यक्ति ने पार्टी ज्वाइन करी है, बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कुछ ने आजाद भी चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी के मन में किसी चीज को लेकर कोई रोष होगा, पर जब सबको पता कि जब हम सब जुड़े थे तो हमने देश हित के लिए पार्टी ज्वाइन करी थी, और देश हित सर्वोपरि है, और उसके लिए सभी लोगों को अपने आपसी जो महत्वाकांक्षा है उसको छोड़ करके पार्टी का साथ देना चाहिए। क्या संदेश देना? संदेश ये है कि जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता हैं, एकजुट हो जाए और यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में पहुंचे, और जो मुख्यमंत्री की तानाशाही नीतियां हैं, देखिए आज आप हिमकेयर बंद हो चुका है और भी कई चीजें, हमारे यहाँ के दफ्तर सारे बंद हो चुके हैं, ऐसा कोई भी दफ्तर मुख्यमंत्री जी यहाँ पे गिना दें उन्होंने चालू किया है, जो झूठे वायदे किए थे वो कोई पूरा नहीं हुआ है, वो जनता जो है वो सब कुछ जानती है, हम यहाँ पे बैठे हमें पता लगता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो हिम केयर लेकर के हॉस्पिटल में जाता था तो उसका मुफ्त में इलाज होता था, अब सब कुछ बंद है तो बेचारे लाचार हैं, कहाँ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था, उन्होंने तो सिर्फ बंद कर दो, थोड़ा सा उनको खोल भी देना चाहिए था ना, जिससे लोग, बच्चों के देखो एग्जाम नहीं हो पाए 1.5 साल से, जो एवरेज हो गए वो कहाँ जाएंगे, तो कुछ बहुत ही गलत जो है ना, देखिए कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मान लो हाथ में उंगली में प्रॉब्लम, हम बाजू काट दे, उसका ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो उन्होंने बंद किया उस पर इंक्वायरी करो, अच्छे लोग लगाओ, और बच्चों को जिनकी
एज निकल गई है, अब उनको कहाँ से आप भरपाई करेंगे, वो कैसे करेंगे आगे? तो बड़ा भारी लॉस हुआ है 1.5 सालों में हमारा। हाँ आपदा आई थी, हम उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ थे, पर आपदा के नाम पे जो भी अपने व्यक्ति जितने भी इनके पर्सनल थे उनको कैबिनेट रैंक दे दिए गए, जनता के ऊपर बोझ डाला गया, कहते हैं पैसा है नहीं, चहेतों को पैसा बांट रहे हैं, वो चीज गलत है, सबको सोचना चाहिए था, पर जो मुख्यमंत्री ऐसा करने में असफल रहे हैं बिल्कुल। तो संदेश सीधा सा ये है कि अब यहाँ से हम भाजपा का विधायक चुन के भेजेंगे तो मुख्यमंत्री जी को कड़ा संदेश होगा जो उनकी गलत नीतियां हैं। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का कोई हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं है, पर जो उनकी नीतियां हैं, कार्य प्रणाली है उनकी, उस चीज को देख करके, जन विरोधी नीतियों को देख करके, और जो वो स्टेटमेंट देते हैं, अभी पालमपुर में एक लड़की के ऊपर हमला हुआ तो वो उस चीज को भी थोड़ा लाइटली बोल के गए कि ये तो आपस की बातचीत का मामला है, आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हॉस्पिटलों में गरीब का उपचार नहीं हो रहा है, कोई भी जो श्रम कल्याण बोर्ड था वो भी भंग कर दिया है आप, जिससे मजदूरों को बेचारों को शादी के लिए पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है सब कुछ बंद कर दिया, खोलना ही कुछ नहीं है, है ही कुछ नहीं, तो काहे की सरकार है फिर ये ना, ये तो तानाशाही हो गई है और एकदम से ऐसे बिसाखियों पर चली हुई है, कब गिर जाए कोई पता नहीं है ना। तो इसमें अभी लखनपाल जी आए हैं, ऐसा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, हम उनका साथ देंगे और पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव को जीतेगी। जी नमस्कार।